हाय गाइस, मैं मोहम्मद हफीज़ स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ट्रिब्यूट पेज। बेसिकली ये क्वेश्चन है फ्री कोड कैंप के अंदर जो हमारे पास कोर्स होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसका ये पहला क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको एक ट्रिब्यूट पेज बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि आपका ये इस टाइप का ओपन होगा, इस टाइप का पेज ओपन होगा। ये आपके सामने इस टाइप ओपन होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग के नीचे उसका एक सब हेडिंग है, उसके बाद एक इमेज है, इमेज के बाद यहाँ पे इमेज का कुछ कैप्शन है, फिर यहाँ पे जिसका इमेज है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे सो ऑन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस टाइप का पेज बनाने के लिए जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए तो आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो के अंत तक हम ये कर पाएंगे। दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और हमें क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको HTML और CSS का ज़रूरत होता है। बेसिकली इसमें 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पहला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप एक एलिमेंट बनाइए जिसका ID आपके पास मेन होना चाहिए और इसी के अंदर आपका जितना भी कंटेंट होगा वो इसी के अंदर होगा, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, एक एक करके हम इसको सॉल्व करते चलते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम VS Code में पहले हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे इसको हमें जहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होता है वो इस जगह पे दिखाना होता है। हमें यहाँ पे HTML, हम इसको रिमूव कर देते हैं एक बार, हमें यहाँ पे HTML लिखना होता है, हमें यहाँ पे CSS लिखना होता है और इस यहाँ पे हमें JS लिखना होता है। अभी तो हमारे एग्जांपल में JS का कोड नहीं है, हम इसको अभी हटा साइड करते हैं और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा डिले करते हैं। यहाँ पे हमारा HTML का कोड आएगा, यहाँ पे हमारा CSS का कोड आएगा। उसके बाद इस जगह पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपना टेस्ट जो है वो रन कर पाएंगे। यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, हमारे केस में अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ट्रिब्यूट पेज है। उसके बाद यहाँ पे हम रन करते हैं तो रन करने के बाद हमारे यहाँ जो हम बनाए हुए रहेंगे प्रोजेक्ट उसका स्टेटस यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो एक एक करके हम कंप्लीट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हम कोड को क्या करेंगे, VS कोड में लिखेंगे ताकि हम फास्ट काम कर सकें। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यहाँ पे आपके पास ट्रिब्यूट पेज बनाना है, इसमें आपको एक ID, एक एलिमेंट बनाना है जिसका ID क्या हो, जिसका ID मेन हो। हम यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं VS कोड के अंदर। हमारे VS कोड का सेटअप एक बार हम बेसिक HTML जेनरेट कर लेते हैं। बेसिक HTML जेनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक एलिमेंट बनाएंगे, एक डिव बनाएंगे और उस डिव में हम ये ID दे देंगे। हम यहाँ पे एक मेन नाम का ID बनाएंगे, ये हमारा डिव बन गया, डिव का ID हमारे पास मेन आ गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें बोला गया एक टाइटल नाम का ID होना चाहिए जो क्या करेगा, ये टाइटल इसको कंटेन करेगा, जिसका ऐसा कुछ जरूरी नहीं यही होना चाहिए लेकिन इस टाइप का एक कोई टाइटल हो, मतलब ये आपको इसमें बोला जा रहा है। हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर हेडर सेक्शन क्रिएट किए, हेडर सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक H1 लेते हैं और इसका ID हमें ध्यान है कि इसका ID हमें मेंशन करना है, ID होना चाहिए टाइटल, इसका ID हमें टाइटल होना चाहिए और इस टाइटल के अंदर हम ये मेंशन कर दिए। उसके अलावा दोस्तों, हम यहाँ पे एक ये सब टाइटल भी मेंशन करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉपी किए और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिए और इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको मेंशन कर दिए। ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है कि आप एक डिव या एक फिगर बनाइए जिसका ID क्या हो, IMG div हो। हम यहाँ पे एक बनाते हैं, हम ये इस हेडर के बाहर आते हैं और यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं जिसका ID हमको क्या मेंशन करना था, IMG div मेंशन करना था। हम यहाँ पे आए, बस ये हमारा बन गया।
इसके बनने के बाद यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इस IMG div के अंदर एक इमेज एलिमेंट बनाइए और उसका आईडी होना चाहिए इमेज। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे बोले IMG और इसका आईडी हमें फिलहाल हम इसको कुछ नहीं देते और इसके अल्ट में दे देते हैं इमेज। और यहाँ पे हम एक आईडी लगाते हैं, आईडी क्या था, आईडी हमारा था इमेज, सॉरी हमारे पास आईडी होना चाहिए इमेज, ये हो गया। इसके बाद इसको इस इमेज पे यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको मिलता है कॉपी इमेज एड्रेस। इस जगह पे हम आए, कॉपी जो भी इमेज का एड्रेस हमारे पास कॉपी हुआ हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा जो है इमेज अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक इमेज ट्रिब्यूट ये वाला। उसके बाद हमारे पास है एक और, हमको इमेज का कैप्शन देना है, उसके लिए एक एलिमेंट बनाना है इसी डिव के अंदर। हमें ये हमको IMG कैप्शन नाम का एक आईडी बनाना है, ठीक है। तो इमेज के नीचे हम आते हैं और हम यहाँ पे एक पैराग्राफ दे ले लेते हैं और पैराग्राफ का आईडी हम सेट कर देते हैं IMG कैप्शन, IMG कैप्शन। और इसके बाद इसके पैराग्राफ में हम दे देते हैं इस पेज को ये जो कैप्शन दिया हुआ है ऐसा, हम यहाँ पे ये कैप्शन दे दें, दे दिए दोस्तों। हमारा यहाँ तक पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रिब्यूट इन्फो नाम का आपको एक टाइटल देना है, ठीक है। आप जैसे इस सेक्शन का बात किया जा रहा है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो इस सेक्शन का बात किया जा रहा है। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और VS कोड में आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये इमेज वाले डिव से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एक टाइटल देना है। टाइटल हम यहाँ पे एक H1 H2 ले लेते हैं इस बार। H2 लेने के बाद हम यहाँ पे बोलते हैं क्या नाम था, हाँ हमें देना है ट्रिब्यूट इन्फो, ट्रिब्यूट इन्फो नाम से एक आईडी बनाना है। हम बोले ट्रिब्यूट इन्फो और ये टाइटल है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। इसको पेस्ट करने के बाद ऑफ कोर्स कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगा, हम उसके लिए एक UL सेट करते हैं। UL के अंदर LI बनाते हैं और 5 LIs हम बना लेते हैं। LI के अंदर स्पेन भी होगा, ये तेज़ी से हमारा बन चुका है। अभी हम यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1914, 1933, 35, 37, 38, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1913, उसके बाद हम यहाँ पे बोल दिए 1933, 1935, 1937 और यहाँ पे हम लिखें 1938, ये हम लिखें। उसके बाद हमको क्या करना है, हम इसको फ़िलहाल ले लेते हैं, इसको हम इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। हम इसको बाय द वे ऐसा भी कर सकते हैं इस टाइप से, ताकि ये हमको और ज़्यादा अच्छा दिखे, ये हो गया। बाद में हम इस वाले को भी कॉपी कर लेते हैं, एक बार मैं वीडियो को पॉज करता हूं और फटाफट से इसको फिल करके उसके बाद मैं आपको रिज्यूम। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो भी एलाइज बनाया था उस एलाइज को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ से। उसके बाद अब दोस्तों क्या है हमारा, देखते हैं कहाँ तक हम किस पोर्शन तक कंप्लीट कर चुके थे। हम इस पोर्शन तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक आईडी, एक एंकर एलिमेंट बनाना है जिसका, एक एंकर एलिमेंट बनाना है जिसका ट्रिब्यूट लिंक आईडी देना है, ट्रिब्यूट लिंक आईडी देना है। और इसका टारगेट जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, क्यों, चूँकि इस पर हमें ये बोला गया है कि आउटसाइड द
कंटेंट्स एडिशन इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट ट्रिब्यूट, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आई शुड सी एन एंकर एलिमेंट विथ अ करस्पॉन्डिंग आई डी ए विच लिंक्स टू आउटसाइड साइट, मतलब इस वेबसाइट के आउटसाइड पेज का लिंक हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक एंकर एलिमेंट बनाते हैं। सबसे पहले इस एल आई से बाहर, यू एल से बाहर आके हम यहाँ पे एक एच टू बनाते हैं। सबसे पहले एक एच टू बनाते हैं और इस एच टू में इस वाले पार्ट को पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को पेस्ट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम पेस्ट करते हैं। यहाँ तक हम पेस्ट किए और उसमें उसके बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे फिर से एक बार कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको हम एंकर टैग के अंदर रखेंगे। हम बोले एक एंकर क्रिएट किए, एक एंकर क्रिएट करेंगे। एक एंकर क्रिएट किए और फिलहाल इसमें हम अभी कुछ भी लिंक नहीं दे रहे और इस एंकर के अंदर ये वाला टेक्स्ट हम रख दिए। और उसके बाद दोस्तों इस पर हमको लिंक कौन सा देना है, तो इस पर हमको लिंक देना है, हम किसी भी एक्सटर्नल पेज का लिंक दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा, वो ये पेज ओपन होगा। हम इसी पेज का एक लिंक दे देते हैं, इस पेज को हम सेलेक्ट करते हैं। हम इस पेज को सेलेक्ट करके इसका लिंक को कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आके ये जो इस जगह पे एंकर में है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब हमारा पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमसे ये बोला गया था, ये भी कंप्लीट हो गया है और हमें टाइप ब्लैंक देना है यहाँ पे। ये हम बोले टारगेट को कर दिए हम अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हमारा हो गया। इसको हम अब हम इस पार्ट को सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं और इस पार्ट को हम जाके अपना HTML वाला पार्ट में इस जगह पे जहाँ हमको बनाना था हम HTML वाले पार्ट में यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर दिए। अब हम टेस्ट को रन करते हैं, होपफुली हमारा टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कम। यहाँ पे इमेज, मेरे ख्याल से इमेज का हम कोई भी लिंक नहीं दिए हैं, हाँ एसासी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद हम टेस्ट को रन करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि हमारा 7 टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ 10 टेस्ट जो है वो हमें HTML के अलावा CSS में लिखना होता है। HTML पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि CSS को कैसे लिखना है। CSS को लिखने के लिए क्या करना है, CSS में हमें क्या करना है बेसिकली दोस्तों, कि यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। द इमेज एलिमेंट शुड रिस्पॉन्सिवली रिसाइज होना चाहिए और इमेज जो है वो इमेज को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना है, IMG जो हमारा है उसको हम एक बार टारगेट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं हैश IMG और इसका जो कंटेनर है, सबसे पहले इस कंटेनर को हमको टारगेट करना होता है। इसका कंटेनर div IMG है, div IMG एक बार शो कर लेते हैं, IMG div। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक विड्थ सेट करना है। हम यहाँ पे विड्थ दे दिए फिलहाल 100% दे दिए इसका विड्थ। उसके बाद हम इसको बोल दिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो गया। उसके बाद हमें इमेज को टारगेट करना है। इमेज को हम सबसे पहले बोलेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसका इमेज का डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देते हैं, इमेज का डिस्प्ले हम ब्लॉक कर दिए। और
इसको मैक्स विड्थ देंगे, मैक्स विड्थ हम इसको बोल देंगे 100%। ये हमारा इमेज का काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा अब हम इसको रन करते हैं, हमारा 8 पास हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया। एंकर के अंदर हमने कुछ मिसिंग किया है, एंकर में हमें एक आईडी देना था। ये एंकर है, एंकर में हमें एक आईडी देना था और आईडी का वैल्यू होना चाहिए था ट्रिब्यूट लिंक। एंकर का आईडी होना था, ये जो एंकर है उसका आईडी होना चाहिए था ट्रिब्यूट लिंक। ये हमने मिस किया हुआ है, ये हो गया। इसके होने के बाद अब हम इसको एक बार रन करते हैं, अब हम इसको रन करेंगे एक बार। तो अब हमारा 9 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक टेस्ट बच गया, वो टेस्ट हमारे पास मेरे ख्याल में ये आपका मीडिया क्वेरी वाला होगा, जो कि इमेज जो है इमेज रिस्पॉन्सिव हो। जस्ट मोमेंट, हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। लेआउट इमेज शुड रिस्पॉन्सिबली रिसाइज विथ पेरेंट एलिमेंट विदाउट एग्जिटिंग ओरिजिनल। ये इसके लिए बात हो रहा है, एक बार हम देख लेते। दोस्तों यहाँ पे हमें ये जो इमेज हमारे जो इमेज है उसका आईडी इमेज है और हम यहाँ पे IMG लिखे हैं, इसके वजह से हमारा मिसिंग हो रहा था। हम यहाँ पे इसको इमेज कर देंगे, जिसे हम इसको इमेज करेंगे उसके बाद हम अपना टेस्ट को रन करेंगे। तो हमारा टेस्ट जो है होपफुली अब हमको लगता है कि कंप्लीट होना चाहिए। एक बार इस टेस्ट को रन करते हैं, तो अभी भी इशू है इसमें, देखते हैं क्या इशू हो सकता है। एक बार इसको सेव करते हैं। सेव हो गया, ये रन हो गया और ये हमारे पास मेरे ख्याल से सेंटर में अब नहीं होगा, उसके लिए बात होता होगा। ये सेंटर में नहीं है इसके लिए। तो सेंटर में लाने के लिए हमारा जो सबसे मेन कंटेनर कौन सा था, मेन था हमारा, मेन के नाम से एक आईडी था, हम उसको बोल देते हैं हैश मेन और इसको हम बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये हो जाएगा हमारा। इसको हम होपफुली कुछ विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ सेट नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट सेट करते हैं और उसके बाद इस पेज को डायरेक्ट रन करते हैं। अभी भी इशू है, ये एलिमेंट शुड बी सेंटर्ड। तो इसको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिए। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो इमेज सेक्शन हमारा है, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम आके देखते हैं, हमें इमेज को द इमेज एलिमेंट शुड बी सेंटर्ड विद इट्स पेरेंट, इसके पेरेंट के अंदर जो है ये सेंटर में आना चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारा पेज जो है वो अभी सेंटर में नहीं आ रहा, अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इमेज को हम क्या करेंगे, इमेज को हम एक हाइट असाइन कर देंगे। हम बोलेंगे हाइट जो है वो ऑटो हो जाए, हाइट ऑटोमेटिकली आ जाए। और इसके अंदर हम बोलेंगे मार्जिन दे देंगे, टॉप से कुछ भी मार्जिन नहीं देंगे और लेफ्ट राइट से हम बोल देते हैं इसको ऑटो। और अब हमारा काम हो जाना चाहिए, हम इसको एक बार सेव करते हैं। देखिए हमारा इमेज जो है वो सेंटर में भी आ चुका है। अब हम टेस्ट को रन करते हैं, तो अब हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें हमारा पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको इससे अच्छा भी बना सकते हैं, और भी अच्छा बना सकते हैं, इसको और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिक जो है वो आपको बताने की कोशिश की, उसके बाद इसको आप अपने अकॉर्डिंग और भी सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। सो देट आप जितना अच्छा बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। हम क्या है कि
मिनिमम टाइम में कैसे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को कम से कम फुलफिल कर लेंगे, ये हम देख रहे थे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको लिंक को कॉपी करना है, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपका आपका प्रोजेक्ट को यहाँ पे सबमिट कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने ये बताने का कोशिश किया कि एक ट्रिब्यूट पेज कैसे बना के ये प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो में कुछ वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ऑफकोर्स डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट लिखें, बुरा लगा तो बुरा कमेंट लिखें, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों अगर आप इस टाइप के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।